हेलो अच्छा, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजा अप्लाई करूँगा। आज मैं आपको सिखाता हूँ मात्र तीन स्टेप में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। चलो स्टार्ट करता है। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप में क्या करता है, इसको मैं डिवाइड करूँगा एंड जो भी एलिमेंट है इनकी वैल्यू को नोट करूँगा। एल एच एस एंड लिखा मैंने यहाँ पर, एंड आर एच एस एंड यहाँ पर वैल्यू देखिए, हाइड्रोजन की टू दे रखी है यहाँ पर एंड वन, टोटल इज थ्री। देन कार्बन इज वन, ऑक्सीजन इज थ्री प्लस का वन, टोटल दे रखा फोर। देन सोडियम इज ओनली वन, क्लियर। सारे के सारे एलिमेंट मैंने कर लिए, यहाँ पर वैल्यू को मैंने लिख दिया। अब यही काम इस साइड में कीजिए, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर टू दे रखा है, कार्बन इज वन, ऑक्सीजन थ्री प्लस का वन फोर, देन सोडियम इज टू, क्लियर हो गया। तो ये दे रखिए हमारे पहले स्टेप, यहाँ पर मैंने किया सारी वैल्यू को नोट किया स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स होते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर टू आता है यहाँ पर। इस स्टेप में क्या करते हैं कि यहाँ पर चेक करेंगे और पता लगाएंगे केमिकल के उसमें हमारे बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। चलिए पता लगाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर थ्री, यहाँ पर टू डिफरेंस है, कार्बन वन वन सेम, ऑक्सीजन फोर फोर सेम, सोडियम वन एंड टू यहाँ पर डिफरेंस। कुछ के नंबर सेम है, कुछ के नंबर हमारे सेम नहीं है, मीन्स ये हमारे केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही नहीं। अब आते हैं स्टेप नंबर थ्री आते हैं। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं यूज़ करूँगा, आप देखिए वो कौन सी ट्रिक है जिससे आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना बहुत आसान लगेगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम टू है, यहाँ वन क्या करेंगे, यहाँ पर बस मल्टीप्लाई कीजिए, ये वैल्यू हो गई टू, हो गई सेम सेम हो गया। अब जो ये टू है तो कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, देखिए सोडियम टू हो गया, टू का मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन में, टू डिजिट चेंज तो क्या आएगा यहाँ पर फाइव आया। अब टू का मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन में तो ये कितना आएगा हमारा यहाँ पर टू टू फोर हो गया, क्लियर हो गया। देखिए अब जब इस साइड की वैल्यू चेंज हुई तो इस साइड भी काफ़ी चेंजमेंट आएगा। अब जब ये फोर है तो क्या करेंगे, यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया टू टू फोर हो गया, ये फोर फोर सेम हो गया, टू का मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन में तो वैल्यू चेंज, टू और प्लस थ्री कितना हो गया हमारा फाइव हो गया, क्लियर हो गया। ये फाइव ऑक्सीजन फाइव हो गया, सोडियम टू टू हो गया, सेम हो गया, कार्बन वन वन सेम है, बाकी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन भी फोर फोर है। तो बस इतना करना होता है, छोटे से ट्रिक मैंने इसकी और आपको बेहद आसान लगा होगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।